1.3, द कॉस्ट ऑफ 20 केजी आयरन इज़ रुपीज़ 1,20,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 280 किलोग्राम ऑफ आयरन। हमें इस क्वेश्चन में 20 किलो आयरन का जो वैल्यू दे रखी है वो 1,20,000 दे रखी है। हमें 280 किलोग्राम का पूछा है। इसके लिए पहले हमें 1 केजी ऑफ आयरन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 1 केजी आयरन इज़ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20। हमारा आंसर आ गया 6,000। अब हमें 280 किलोग्राम का निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1,68,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जागृति इज़ ए फेमस क्रिकेटर प्लेयर, सो फॉर ही हैज़ स्कोर्ड 7,890 रन्स इन टेस्ट मैचेस, हाउ मैनी रन्स डज ही नीडिड टू कम्प्लीट 10,000 रन। जो जागृत है वो क्रिकेट मैच खेलता है, क्रिकेट मैच का प्लेयर है, उसके 7,890 रन वो बना चुका है, उसको कंप्लीट करने हैं अपने 10,000 रन, तो उसको कितने रन की आवश्यकता है, इसलिए आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। आप इसमें माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए वेसल्स हैज़ 4 लीटर 6,650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मैनी क्लासेज ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन द होल कर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। इस क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि एक बर्तन के अंदर आप 4 लीटर 650 ml दही जो है वो भर सकते हो, तो आपको 25 ml कैपेसिटी वाले कितने ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करनी पड़ेगी। एक वेसल्स जो है उसमें कितनी कर्ड आ सकती है, 4 लीटर 650 ml, तो कैपेसिटी कितनी है एक ग्लास की, 25 ml। आप 25 ml से इसको डिवाइड करके आपके जो ग्लासेस की नंबर आएंगे वो आएंगे 186 ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। आपको जो डिजिट दे रखी हैं इनको केवल एक बार उपयोग करके पहले बड़ी संख्या बनानी है, फिर छोटी संख्या बनानी है, और उसके बाद इसमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, तो द ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा इसका सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इससे आपके ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए फिर पहले आपको सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। दोनों नंबर अब आपके पास है, उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो सब सेम है, आप लोग कर सकते हो। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जीबिशन हैज़ हेल्ड फॉर 4 days एट दिवाली, दिवाली के ऊपर एक मेला लगा जो 4 दिनों तक के लिए लगाया गया, द कॉस्ट ऑफ 1 ticket इज़ 75, जो कॉस्ट थी एक टिकट की वो थी 75, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द 1st, 2nd, 3rd and final day वर 181, 2, 2050, 1094 and 2751, 1st, 2nd, 3rd and final day respectively। Find the total number of ticket sold all the days 4 days and the find the total money of sold tickets। पहले आप चारों दिन की निकालेंगे कि कितनी टिकट सोल्ड हुई, चारों टिकट निकालने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। आपने चारों डिजिट को प्लस कर दिया, आपके टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आ गए 7707 टिकट्स। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, एक टिकट की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी थी 75, तो आपकी 7707 टिकट्स की कॉस्ट कितनी होगी, आप मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, टू स्विच ए शर्ट्स 2 meter 15 centimeter क्लोज इज़ नीडिड, एक शर्ट को सिलने के लिए 2 meter 15 centimeter कपड़े की आवश्यकता होती है, आउट ऑफ 40 meter क्लोज, अगर जो आपके पास 40 meter कपड़ा है तो हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्विचेस एंड हाउ मच क्लोज विल रिमेन अनयूज। तो आप 40 meter कपड़े में से कितनी शर्ट्स बना सकते हो और आपके पास कितना कपड़ा अनयूज के लिए बचेगा वो आपको निकालना है। तो हमारे पास क्लोज जो है एक शर्ट के लिए बनाने के लिए कितना चाहिए हमको, 2 meter 15 centimeter, हमारे पास टोटल क्लोज कितना है पूरा कपड़ा 40 meter, नंबर ऑफ शर्ट्स हमें निकालना है कि हम कितने शर्ट्स सिल सकते हैं, तो 40 मीटर से 2 meter 15 centimeter को डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप करके देख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 18 meter, वो तो यानी कि आपकी शर्ट्स बन सकती है, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा
130 सेंटीमीटर वो आपके पास रिमेनिंग कपड़ा बचा है। इसके बाद 13-14 क्वेश्चन ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए मैच ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2.8 to 5 स्क्वायर ए डे। आप एक मशीन के द्वारा, मतलब एक मशीन का जो एवरेज है वो मैन्युफैक्चर करने का, वो एक दिन में 2.8 to 5 स्क्रूल बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूल डज इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मंथ की मतलब यानी कि मार्च के मंथ में उसने कितने स्क्रूल यानी कि कितने पेज बनाए। तो जो मंथ ऑफ मार्च होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो आप 31 डेज के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।